सो हे गाइस व्हाट्सअप, मैं आज आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि मैंने कैसे ये वाला पेंटिंग किया। ये जो सोशल मीडिया वाला देख रहे हैं, जो ये वाला पेंटिंग मैंने कैसे दीवार में बनाया। अगर आप भी एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं, अगर आप भी यूट्यूब चैनल बनाना चाहते हैं तो आप भी दीवार में ऐसे कर सकते हैं। वैसे मैंने जो किया, ये मैंने अपने खुद के आइडिया से किया, थोड़ा थोड़ा सिर्फ गूगल का मदद लिया और गूगल से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट निकाला और निकल के बना दिया पूरा का पूरा। आप भी अपना दिमाग चलाइए और खुद बनाइए, क्योंकि पूरा पेंटिंग अगर आप पूरा कॉपी कर लेंगे मेरे वाला देख करके, तो फिर एक अच्छा कलाकार नहीं हो पाएंगे ना। तो मैंने जैसे किया ऐसे आप कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा सा और भी ज़्यादा काम बढ़ा सकते हैं। जैसे कि मैं सोच रहा हूँ कि नेटवर्क वाला जो बनाया इसे मैं कलर चढ़ा दूँ तो कैसा लगेगा, जो भी सोच रहा हूँ अच्छा ही लगेगा। येलो वगैरह चढ़ा दूँगा और बाकी आप देख सकते हैं फेसबुक बनाया, व्हाट्सएप बनाया और फिर एक माउस बना दिया। इधर में माउस पहले थोड़ा डार्क लग रहा था, अभी फिलहाल ठीक ही है। और ये गूगल बना दिया इधर में, और ये मैं कोई बेसिकली ये यूट्यूब के लिए ले रहा हूँ। अगर यूट्यूब में वीडियो वगैरह बनाना तो बैकग्राउंड थोड़ा सा अच्छा दिखेगा, इसी वजह से मैंने इधर में मोबाइल बना के मोबाइल में यूट्यूब बना दिया। सैमसंग वाला कंपनी का मोबाइल बना दिया, कोई भी आप बना सकते, आपका इच्छा हो तो आईफोन भी बना सकते कुछ भी। और ये एप्पल का लोगो दे दिया, एंड्रॉयड भी दे दिया और सब्सक्राइब वाला बटन दे दिया, जो कि आपका दिमाग से बनता है ना। अगर इंटरेस्ट रखते हैं तो आर्ट के लिए कर दीजिए। और ये बेल आइकन बनाया, इसे मतलब लाल बटन दबाने के बाद बेल का आइकन आता है, वो बना दिया, ऊपर बना दिया हमने। और बाकी और भी काफ़ी सारे किए। और ये वाला तो आपने पहले देख ही लिया होगा, माँ दुर्गा वाला पेंटिंग मैंने पिछले वीडियो में किया था और देख सकते हो आप। ऊपर बड़ा करके लिख दिया सोशल मीडिया, ऐसे साउंड वाला ऐसे दे दिया, और देने तो हम करने भी जा रहे हैं आर्ट को, दे दिया आर्ट, स्टार का एक दे दिया, लाइक बटन भी दे दिया, शेयर भी दे दिया, तो और भी काफ़ी सारी चीज़ें दे दिया, लोकेशन वाला दे दिया। तो ये मैंने कैसे बनाया वो आप देखिए वीडियो पे। वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि अगर स्किप कर लेंगे तो मैं जो बताऊँगा वो बीच से थोड़ा सा छूट जाएगा, तो अगर आप छूट गया तो थोड़ा सा मिस्टेक भी हो सकता है। तो पूरी वीडियो देखना, वीडियो अगर अच्छी लगी लाइक कर देना, शेयर कर देना। और मेरे चैनल को अगर आप आर्ट में इंटरेस्ट रखते, ज़बरदस्ती नहीं है, आर्ट में अगर इंटरेस्ट रखते तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं देता ही रहूँगा ऐसे और कमाल कमाल के आइडियाज़ के वीडियोस देता रहूँगा, जिससे आपको थोड़ा सा और मोटिवेट हो जाएंगे आप, और आप भी अगर पेंटिंग करते तो और अच्छा करने लगेंगे। मैं भी तो वैसे सीख ही रहा हूँ, मैं भी जैसे सीख के आगे बढ़ूँगा, आपको भी थोड़ा थोड़ा सा दिखाऊँगा कि मैं पहले कैसा था और अभी कैसा था। तो चलिए वीडियो को शुरू करते, ज़्यादा बातें नहीं करते, नहीं तो आप प्रॉब्लम फंस जाएंगे। तो सबसे पहले हमने चौक से काम शुरू किया, चौक से मुंह हाथ और ये सब सोशल मीडिया वगैरह चौक से बना दिया, और मोबाइल भी बना दिया सैमसंग वाला चौक से। ऐसे ही करते गए, ऐड वगैरह ये सब बनाए, एक लाइन खींच दिया, और उसके बाद जाकर के ताला वगैरह ये सब भी लगा दिया। और फिर ये जो वॉल है इसमें आप डायरेक्टली कर सकते, पर मैंने चौक से किया, क्योंकि अगर पहले ही आप मार्कर शुरू करेंगे तो मार्कर भी नहीं लगेगा, क्योंकि मेरा जो दीवार है, आपका तो पता नहीं, मेरा जो दीवार है उसमें क्या कहते हैं, थोड़ा सा पाउडर से हो जाता है, क्योंकि मेरे दादाजी ने बनाया था, जो रूम बर्बाद हो रहा था और खाली था, मैंने इसका आर्ट रूम बना लिया। और बाकी तो हमारे कमरे तो बाकी दूसरे है, और ये वाला कमरा तो काफ़ी पुराना है इसी वजह से। और ये जो क्या कहते हैं मार्कर भी, मैंने जो मार्कर लिया था वो मार्कर यूज़ करते करते वो मार्कर ख़राब हो गया, तो ख़राब होने के बाद और क्या, मैं नॉर्मल जो ब्लैक कलर हमारे हार्डवेयर्स के दुकान में मिलते हैं वो वाला ब्लैक कलर से मैंने किया पूरा, और मेरा जो मार्कर है वो तो ख़राब हो गया। उस मार्कर को मैंने पेंट ब्रश जैसा इस्तेमाल कर लिया, हुआ काफ़ी सही हुआ, पेंट ब्रश भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर मैंने क्यों नहीं किया, क्योंकि मेरा पेंट ब्रश, अगर ये जो कलर होते हैं ना, इन कलर के लिए एक अलग से पेंट ब्रश आता है, वो वाला इस्तेमाल करना चाहिए जो कि हार्डवेयर्स में मिलता है, क्योंकि ये वाला जो कलर होते हैं वो हमारे जो वाटर कलर और बाकी जो फ्लैट ब्रश वगैरह होते हैं उनके ब्रश को ख़राब कर देते हैं। तो मैंने इनका इस्तेमाल ज़्यादा नहीं किया मैंने काफ़ी पहले ब्रश खरीदा था उसका भी किया। ऐसे करते करते मैंने एक घड़ी बना लिया, ऐसे कुछ बना लिया, और फेब्रिक्स वगैरह से मैंने कलर किया, पूरा फेब्रिक से किया, एक्रेलिक से नहीं किया, क्योंकि लॉकडाउन का समय, ज़्यादा सामान भी इधर नहीं मिलते हमारे, हम जा रहे थे। ऐसे ही किया मैंने, यूट्यूब वगैरह बना दिया, एक आइडिया के लिए यूट्यूब लिख कर दे दिया, जैसे भी तो मिटने वाला है कलर से, किसी को बचा नहीं सकते, बाद में जाकर के ब्लैक कलर से मार देंगे इसके ऊपर। वैसे ही करता गया, पूरा होने वाला है, देखिए ढक दिया इसको, बेचारे को पता भी नहीं था कि ये ढक जाएगा, इसके ऊपर दूसरा मिल दूंगा। और ये चौक जो है, चौक फिर भी दिख रहा है, काफ़ी दिख रहा है,
कलर के ऊपर भी दिख रहा है, देखिए आप परछाई वगैरह देख सकते हो उसके। सकरते करते फिर हम साइड वाले जो लाइन्स है उनका भी ख्याल रखना है। अगर थोड़ा सा कलर बाहर की तरफ चला गया, जैसे मान लीजिए मैं देखिए मतलब नीचे में थोड़ा सा बाहर की तरफ चला गया, तो इधर में मैं थोड़ा सा ब्लैक दे दूँगा बाद में लाइनिंग। ऐसे करते ही वो ऐसे ही इसमें भी करना है, बाद में इसमें शेड भी भर सकते हैं। मैं लाइट जला दे ऊपर वाला, लाइट ऑफ करना है, इतना समझ से थोड़ा सा अंधेरा टाइप का दिखाई दे रहा था आपको। फिर मैंने कलर कर दिया, हर की कलर दिया, प्रवेश किया, ऐसे किया मैंने प्रवेश कलर से। प्रवेश हमारे घर के बाजू वाले दुकान में मिल जाता है, पर वो पॉजिटिव वो सब नहीं मिलता ना, ट्यूब वगैरह एक्रेलिक कलर्स वगैरह ये सब बहुत रेयर मिलते हैं। हमारे इधर में नहीं है, मैं जाकर रहता हूँ इधर में, इधर में इतना आर्ट का इतना सामान भी अच्छे तरीके से नहीं मिलता, ऐसे किया मैंने। मैं इस वीडियो में तो मैं बोल रहा हूँ, पर माँ दुर्गा वाले जो पेंटिंग किया था उसमें बोला नहीं था, क्योंकि मैंने बोला था साउंड रिकॉर्ड किया था, तो एडिट करते समय एग्जिट मारते समय पता नहीं कैसे मेरा जो वॉइस था वो कट गया ऑटोमेटिकली, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। पर मैंने ऐसे वो वाला पेंटिंग भी कुछ ऐसे ही किया, ऐसे घड़ी में ऐसे शेड्स वगैरह लगा दीजिए, थोड़ा सा बाहर जो अगर थोड़ा सा स्मूथ स्ट्रक्चर पाने के लिए थोड़ा सा पेंसिल का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी एक पेंसिल ले लीजिए और लेकर थोड़ा सा मार दीजिए। थोड़ा सा ये वाला जो पार्ट है जहाँ पर थोड़ा सा उभरा हुआ है, ये क्या कहते हैं सीमेंट हमारा इधर में थोड़ा सा ज़्यादा लग गया, पता नहीं कौन से नशे करके बैठा होगा जिसने बनाया घर। मैं तो छोटा नहीं, मैं था भी नहीं इन दुनिया में। फिर किया मैंने इस तरह, एप्पल का लोगो भी कुछ इसी तरह बना लिया, बाकी काम भी मैंने ऐसे ही कर दिया। तो एप्पल का लोगो भी कंप्लीट हो गया। आते हैं नीचे में, तो ये हमें जुगाड़ से कर लिया, वो शेड वगैरह जो कर सकते बटन ये आप देखे ही होंगे, तो ये वाला किया मैंने। क्या कहते हैं साइकिल का जो लाइट मिलते हैं ना, जो पुराने ज़माने का जो साइकिल होता था उसके जो लाइट थे ना, उसका लाइट का ऊपर वाला कवर मेरे पास था, उसी से जुगाड़ लगा सकते हैं। हम इंडियंस तो होते ही जुगाड़ू है ना, नाम से ही तो जुगाड़ू है हम। वैसे भी मैं जो यूट्यूब चैनल चलाते हैं उसमें ज़्यादातर जुगाड़ के ही बात बता दूंगा, क्योंकि पैसा हो या ना हो क्या फ़र्क पड़ता है, जुगाड़ लगा कर अगर कोई अच्छा काम कर ले तो क्यों फालतू में पैसा बर्बाद करना। ये लाइट बटन बनाया मैंने, अगर हो सके तो आप भी ये वाला कर देना, तब जुगाड़ में तो कर ही सकते हो पर यूट्यूब में भी कर देना। तो फाइनली मेरा सेटअप कुछ इस तरीके से बन गया है, जैसा कि आप देख सकते हो इधर में मेरा ये चेयर को साइड में थोड़ा सा एक्रेलिक का वीडियो जो भी मैं बनाने गया कार्ड कट के लिए। ये तो पेंटिंग मैंने पहले किया था, इसका भी वीडियो दिया हूँ, अगर आपको फिर भी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वो भी दे दूँगा। और ये देख सकते हो ये वाला पेंटिंग, एक घड़ी लगा लिया इधर में, घड़ी लगा लिया, ताला लगा लिया, और फिर यूट्यूब वाला ये मोबाइल करके और ये बेल आइकॉन सब्सक्राइब का बटन पे आप कर सकते हो। अगर आप आर्ट में इंटरेस्ट रखते हो तो कर सकते हो, आर्ट वाला ये फेसबुक वाला और फिर व्हाट्सएप वाला और फिर ऐसे नेटवर्क वगैरह ये सब, साउंड वाला है एप्पल का लोगो और फिर और भी लोकेशन वगैरह शेयर और भी काफ़ी सारी चीज़ें ऊपर में सब कुछ है, सोशल मीडिया वगैरह लिखे हुए। और इधर में लगाया हुई लाइट, ये लाइट जो इधर में लगाया, तो आप भी अगर यूट्यूब चैनल खोलना चाहते हैं आर्ट का या फिर नॉर्मल आर्ट के वीडियोस वगैरह कैसी भी बनाना चाहते हैं तो आप भी ऐसे लाइट लगा सकते हैं। इससे होता क्या है कि अगर ये वाला लाइट लगाएंगे ना तो बाकी काफ़ी सारे आर्टिस्ट को आप देखे होंगे जो वीडियोज़ बनाते हैं, वो टेबल के इस साइड में एक लाइट लगाते हैं, इस साइड में एक लगाते हैं और उस साइड में एक लगाते हैं, ताकि दोनों डायरेक्शन से आकर के अगर वीडियो करे। तो ये मेरा एक पेंटिंग है, इसका वीडियो भी दे दूँगा। तो ये तो मेरा कहते थे इसका भी वीडियो बनाया हूँ, तो ये जो रहेगा ये यहाँ पर फ़ोन रहेगा, रिकॉर्ड होगा, इधर में चार्जिंग वगैरह के लिए लगा सकते हैं, बोया का माइक वगैरह ये सब भी लगा सकते हैं। और इधर में तो करेंगे तो इसका शेड नहीं गिरता, देखिए नीचे शेड नहीं गिर रहा, ये सीधा आकड़ के इधर से आकड़ के इधर से चढ़ा है सीधा इधर तक, मतलब जो हमारा पेज है वो बिल्कुल क्लियर रहेगा, हमें 10-20 लाइट्स की ज़रूरत नहीं है।
और अपना फेस को रिकॉर्ड करने के लिए ये मैंने जुगाड़ से बना लिया, इसका वीडियो एक दे दूँगा। तो इसे खरीदने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 10 रुपये में ही मिलते हैं, बना लेंगे आप लोग, आपके घर में ही सामान मिल जाएगा। और देख सकते हो ऐसा कुछ तो आया हो अगर वीडियो में मज़ा, तो लाइक कर देना। और अगर आपको भी आर्ट के कुछ रिलेटेड वीडियोज़ वगैरह चाहिए तो सब्सक्राइब कर देना। अभी मेरा सेटअप बन गया है, करंट चला गया, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।